अभी हम आरा जिला में हैं और उस घर में हैं जिस घर में 80 बरस के लोग जो है एक हाथ अपना गंगा जी को दान देने के बाद युद्ध करते हैं और अंग्रेजों को एक बार नहीं 7 बार पछाड़ देते हैं। उस परिवार को प्रशासन द्वारा संदिग्ध हालात में जान चली जाती है और प्रशासन अभी तक चुप है। क्या ये दिन रह चुका है उस परिवार का? क्या इसीलिए उन्होंने बलिदान दिया था? इन तमाम बातें अभी सस्पेंस बनी हुई है। इस परिवार के सदस्य से हम जुड़ने का प्रयास करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। क्या मामला है? मामला है कि जो किले के सिक्योरिटी में जो जवान रहते हैं, सैप के जवान, उन्होंने हमारे बड़े भाई को पीट पीट कर मार दिया। बहुत बेरहमी से मारा उनको, मार करके रात में उनको हॉस्पिटल के गेट के पास वो फेंक के चले गए। और रूटीन प्रोसेस यही है कि बाकी सारे लोगों का ये कहना है कि न्याय का मांग किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। अभी तक अरेस्टिंग तो हुई नहीं है। सरकार पर भरोसा है नहीं, क्योंकि सरकार के लोग ही तो मारे हैं। तो सरकार और जो भी नीतीश की सरकार है, जो यहाँ का प्रशासन है, जो यहाँ के SP है, जो यहाँ के SDO है, हम लोगों को सब पे डाउट है कि सारे लोग मिले हुए हैं। क्योंकि अगर उनको अरेस्ट करना होता, अगर उनको पकड़ना होता, आप बताइए कि जब उनको मारा गया और जब उनकी डेथ हुई, कम से कम 12-13 घंटा का डिफरेंस था, और तब तक उनके पैर उनके गार्जियन को कोई जानकारी नहीं थी कि उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है। वीर कुंवर सिंह के परिवार का जब ये हालत है हमारे बिहार में, तो बाकी लोग हम लोग कितने सुरक्षित हैं? बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान जानता है महाराज। लो अंग्रेजों को लोहा दिलाया था उन्होंने, अकेले 7-7 बार पछाड़ दिया और उनके हाथों नहीं वो अपने आप से अपना वीर गति को प्राप्त हुए। उस परिवार के साथ ऐसे होता है और ये सरकार कहती है कि हम सुशासन की सरकार है। किस प्रकार की सरकार है? हम लोगों की प्रॉब्लम है ना कि जब तक हम लोग के साथ नहीं होगा ना, तब तक लोग आएंगे नहीं। और बात यह है कि यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं, जो बाहर से सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन लोगों को सोचना पड़ेगा। हम लोग तो जा रहे हैं लड़ने बिना ये सोचे हुए कि हम लोग को कौन साथ देगा, पीछे में कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है। लेकिन पहले लोकतंत्र का सम्मान है। हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार उनको पकड़ेगी, खींच के लाएगी, जैसे मेरे भाई को मारा गया है। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहती है तो हम अपने भाई का बदला लेना अच्छी तरह जानते हैं और किसी भी हाल में लेके रहेंगे। हम लड़ेंगे, अब देखते हैं इसमें हमारा क्या होता है, सरकार हमारे साथ क्या करती है। प्रशासन अविलंब उनकी गिरफ्तारी करे, बिना देर किए हुए खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा। अगर अविलंब गिरफ्तारी नहीं करती है तो हम जो करेंगे वो सरकार सोच नहीं सकती है। हम न्यायपालिका सरकार का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ न्याय नहीं हो तो हम उसको नहीं मानते हैं। सरकार कहती है हमने जंगल राज मिटाया है, तो किस प्रकार का जंगल राज मिटाया है मैं दिखा देना चाहता हूँ। आप दिखाइए वो स्टैचू और तमाम ऐसे लोग हैं जो आए हैं इस दरवाजे पे, इस वीर कुंवर सिंह के जो परपोता है उनके वीर शहादत पे। और ये कोई और नहीं, सरकार द्वारा, जो सरकार के जो यहाँ पे प्रशासनिक लोग रहते थे उनके द्वारा जान से, कह सकते हैं कि बेरहमी से, जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं कि बेरहमी से उन्हें वीर गति को प्राप्त कर दिया गया। जैसे कि वीर कुंवर सिंह 7 बार, आपको यह मैं फिर से याद दिला देना चाहता हूँ, वो शख्स अंग्रेजों को 7 बार, अंग्रेज अगर उनके नाम से खापते थे उनको साजिश करने के लिए, हमारे ही देश के कुछ देशद्रोही लोगों ने उनको जानकारी दी, तब जाके उनके दाहिने हाथ में गोली लगा था। और उस परिवार का दिखा दीजिए एक बार तस्वीर, थोड़ा कस के दिखाइए, जूम करके दिखाइए। तमाम लोग यहाँ बैठे हैं और तमाम राजनीतिक लोग वाले अभी आके बैठे हैं, चाहे वो भाजपा के हैं, चाहे JDU के हैं, चाहे प्रशासनिक लोग हैं, सब लोग बैठ के, सब लोग यहाँ देख रहे हैं आप, तमाम लोग हैं। अभी तक क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। क्या मांग करते हैं आप? मांग कर रहे हैं कि ऐसे किया जाए, पुलिस को न्याय मिलना चाहिए। जो बबलू सिंह हैं उनकी जाने जा चुकी है, यहाँ परिवार पूरा आक्रोश में है, तमाम लोग हैं, पार्थिव शरीर रखा गया है और प्रशासन भी उधर खड़ी हुई है। प्रशासन किसी तरह, जैसे कि आपने देखा होगा कि बिहार में आए दिन किसी भी डेथ को उन लोगों ने नेचुरल डेथ कह देते हैं, संदिग्ध मौत कह सकते हैं, ठीक उसी तरह इसको भी वो साबित करने में लगी हुई है। आप देख रहे हैं बात आपकी, आप लगे रहिए हमारे साथ, लगातार ये कवरेज हम करेंगे जब तक इस वीर कुंवर सिंह के परिवार को, बाबू वीर कुंवर सिंह के परिवार को न्याय नहीं मिल सकता है, तब तक हम यही रहेंगे। धन्यवाद।